हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश ट्रैकबुक इंडिया से। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो वैक्यूम फ्लास्क रहता है उसमें से कौन सा फ्लास्क लेना चाहिए परफॉर्मेंस वाइज और कॉस्ट वाइज। अब हम सब लोग दोस्त उत्तराखंड जाने की सोच रहे हैं, तो प्लानिंग चल रहा है। तो सिंस हम लोग पूना से हैं तो हमको कम टेम्परेचर की आदत नहीं है, तो वहाँ तो 0 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तथा हमको गर्म पानी लगने वाला है। तो सब लोगों को ग्रुप के लिए कौन से फ्लास्क लेने हैं ये डिसाइड करने के लिए मैंने अलग अलग फ्लास्क लिए हैं, ब्रांडेड कॉस्टलीस्ट वर्सेस नॉर्मल जो चीपेस्ट है वो भी मैंने लिया हुआ है। तो परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट दोनों हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पहला वाला ये जो फ्लास्क है ये है, मैंने डेकथलॉन से लिया हुआ है, क्वेंचा ब्रांड है। दूसरा वाला फ्लास्क है मिल्टन का। तीसरा वाला है डीमार्ट का, ये सबसे चीपेस्ट है। बाद में ये है सेलो का। ये सेलो का जो है उसमें उन्होंने कॉपर कोटिंग का कुछ अंदर दिया है, ऐसा उन्होंने बोला है, इससे टेम्परेचर बेनिफिट मिलेगा, तो देखते हैं हम लोग परफॉर्मेंस कैसे मिलेगा। ये वाला है प्रेस्टीज का। तो एनीवे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में इन सब का परफॉर्मेंस कैसे आता है। तो मैंने अभी क्या किया हुआ है, ये एक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे मैं टेम्परेचर मेजरमेंट करूँगा। अभी मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं पहले बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या है। तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल दिखा रहा है, 97.6 डिग्री पे है ये। तो अब हम लोग हर एक फ्लास्क में जो पानी भरा हुआ है उसका टेम्परेचर हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद में उसको बंद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग उसको 6 घंटे के बाद में ही चेक करने वाले हैं, 12 घंटे के बाद चेक करेंगे एंड 24 आवर्स के बाद चेक करेंगे। ओके, तो अभी बाहर का जो टेम्परेचर दिखा रहा है ये 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये पहला वाला है क्वेंचा का, तो ये टेम्परेचर है 88.4 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा वाला है मिल्टन का, ये भी 88.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरा वाला डीमार्ट वाला है, जैसे मैंने बोला ये सबसे चीपेस्ट है, ये मुझे 300 रुपये में मिला है सिर्फ, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, 88.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट वाला सेलो का है, थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है ये, 88.7। लास्ट वाला है प्रेस्टीज का, सेम ये भी 88.4 ही है। ऑलमोस्ट सबके इसमें टेम्परेचर ड्रॉप सिमिलर हुआ है, कुछ फर्क नहीं आया है। तो दोस्तों अब ऑलमोस्ट 6 घंटे हो चुके हैं, सुबह 9:15 बजे हमने उबलता पानी हर बॉटल के अंदर भरा था, और एक्चुअल परफॉर्मेंस उत्तराखंड में कैसा रहेगा ये देखने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं ये बॉटल्स रेफ्रिजरेटर में रख दूँ। तो मैंने ये फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज मैंने फुल को किया था, फुल जितना चिल हो सके उसको। तो आप देख सकते हैं कि फ्रिज में टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, तो इसका मतलब अभी 6 घंटे बॉटल सभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड में रही है। तो इसके कारण अपने को परफॉर्मेंस ज़रा चेक करना आसान हो जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं बॉटल्स। तो बॉटल्स में अभी फ्रिज से निकाल के परफॉर्मेंस चेकिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। तो अब हम लोग एक वन बाय वन बॉटल खोलते हैं। ये पहली क्वेंचा की बॉटल है, तो लेट अस सी। सुबह 84.4 डिग्री टेम्परेचर था, तो अब इसका टेम्परेचर कितना आ चुका है, 71.7 डिग्री है। ये क्वेंचा का बॉटल है, 71.7 डिग्री। नेक्स्ट बॉटल लेते हैं मिल्टन की। तो मिल्टन का टेम्परेचर दिखा रहा है पानी का 67.4 डिग्री। अब आता है डीमार्ट का जो बॉटल है उससे। तो डीमार्ट का बॉटल का पानी का टेम्परेचर दिखा रहा है 69 डिग्री सेंटीग्रेड। सेलो का बॉटल का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, 74.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट नंबर आता है प्रेस्टीज का। वैसे ज़्यादा वेल नोन ब्रांड मेरे लिए तो ये वाटर बॉटल के लिए नहीं है, सेलो और मिल्टन ही ज़्यादा फेमस है, बट देखते हैं प्रेस्टीज क्या बोल रहा है। तो प्रेस्टीज का टेम्परेचर स्टेबल हुआ है 69.6 डिग्री पे, 69.6 डिग्रीज।
तो दोस्तों हम लोग इन बॉटल्स को वापस अभी रेफ्रिजरेट करने वाले हैं। ये 6 घंटे वाला परफॉर्मेंस हो गया है, ये अभी हो गया है 3:15 बजे का टाइम हुआ है, तो हम लोग वापस अभी देखने वाले हैं रात को 9:15 बजे। तो दोस्तों अभी रात के 9:15 बजे हैं, तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स, 12 घंटे का हमने टाइम दिया था, तो हो गया है। अभी फ्रिज का टेम्परेचर मेरा दिखा रहा है 7.2 डिग्री, मैंने मैक्स को रखा था तो अभी वो 7.2 डिग्री पे आया है। तो अभी यहाँ से हम लोग बॉटल्स रिमूव करेंगे और वापस हम लोग टेम्परेचर चेक करने वाले हर बॉटल का, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो दोस्तों अभी वन बाय वन चलते हैं, अभी 12 घंटे हो चुके हैं, अभी हमने फ्रिज का टेम्परेचर देखा ऑलमोस्ट 8.7 डिग्रीज था, तो ये रियल सिचुएशन जो मैं चाहता हूँ उत्तराखंड जाने के बाद में वो सिमुलेट कर रहा है। तो अब देखते हैं क्वेंचा से चालू करते हैं 12 घंटे के बाद में। ओके 58.5 डिग्री ये है क्वेंचा का टेम्परेचर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिल्टन का, तो चलो ये मिल्टन का सेटल हुआ है 54.7 डिग्री पे। अब देखते हैं डीमार्ट वाला अपना जो सबसे सस्ता है, तो डीमार्ट वाला जो है अपना इसका टेम्परेचर सेटल हुआ है 55.5 डिग्री पे, गुड, आई थिंक इट इज बेटर देन मिल्टन। अब देखते हैं अपना सेलो वाला बॉटल, इसने सुबह भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था 6 घंटे के बाद में, तो अभी ये 12 घंटे के बाद में वाला परफॉर्मेंस है 63.9 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर 12 आवर्स। ये है सेलो वाला परफॉर्मेंस, डेफिनेटली इट इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। फाइनली देखते हैं प्रेस्टीज वाला, तो प्रेस्टीज का फाइनल टेम्परेचर है 59.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों अब हमने 24 घंटे के बाद में थर्मस फ्लास्क का वाटर का टेम्परेचर मेजर किया हुआ है, ये वाला चार्ट टेम्परेचर दिखा रहा है। अगेन सेलो इज अ बेस्ट परफॉर्मर। मैंने जो पूरे टेम्परेचर्स मेजर किए हुए 0 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स, ये टेबुलेट किए हैं। बेस्ट परफॉर्मर को मैंने नंबर 1 दिया हुआ है। सेम चार्ट मैंने सिर्फ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया है फॉर कन्वीनियंस। अब मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया हुआ है, वाई एक्सिस जो है यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है और एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा रहा हूँ मैं, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं सेलो का जो परफॉर्मेंस है, ब्लू कलर वाला जो लाइन है ये सबसे बेस्ट है, टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ही कम हो रहा है। वेयर एज मिल्टन वाला जो ग्राफ है ये सबसे लोअर मोस्ट है, इसलिए मैंने रेड में दिखा हुआ है। डीमार्ट का ब्लैक कलर का ग्राफ है, इट इज स्लाइटली बेटर देन मिल्टन। सो प्राइस वाइज देखें तो डीमार्ट का आता है 299 रुपीज़ में, मिल्टन का आता है अराउंड 550 रुपीज़ में, तो डीमार्ट इज वैल्यू फॉर मनी फॉर मी एंड सेलो इज अ बेस्ट परफॉर्मेंस। क्वेंचा एंड प्रेस्टीज इज इन बिटवीन। तो दोस्तों इस रिव्यू के लिए मैंने ये 5 बॉटल्स खुद बाय किए हैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। मेरे ग्रुप के लिए उत्तराखंड ट्रिप के लिए परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया है सेलो को। इसका 500 ml का बॉटल अराउंड 492 रुपीज़ में आता है। जो लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए मुझे लगता है डीमार्ट का प्रोडक्ट सही रहेगा, सिर्फ 299 रुपीज़ में आता है। मिल्टन ये बहुत वेल नोन ब्रांड है, बट आप सब लोगों ने इसका परफॉर्मेंस तो देखा हुआ है, तो आप खुद समझदार है, डिसाइड कीजिए। डेकेथलॉन से मैंने ये क्वेंचा का बॉटल लाया था, ये भी बहुत कॉस्टली है, 400 ml का बॉटल 699 रुपीज़ में है, तो मुझे लगा था इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा, वो परफॉर्मेंस भी आपने देखा हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेड इन चाइना है। तो दोस्तों ये रिव्यू आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ऐसे और प्रैक्टिकल रिव्यूज़ मैं आपके लिए करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय फॉर नाउ।